हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वी शेप इंजन के बारे में। वी शेप इंजन को वी शेप इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इसका शेप वी के आकार का होता है। ये एक वी शेप सिक्स सिलेंडर इंजन है जिसमें 6 सिलेंडर हैं, जिसमें 3 सिलेंडर इधर लेफ्ट साइड में और 3 सिलेंडर राइट साइड में होता है। इसमें दो साइड में पाइप लगा होता है, एक पाइप ये है, ये एग्जॉस्ट गैस का पाइप है और ये जो बीच में जो पाइप्स हैं ये एयर प्रोवाइड करती हैं सिलेंडर के अंदर। एयर को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, सक करके एयर को इसमें सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। इसके नीचे से वाले पार्ट को देखते हैं, ये होता है सम्प, ऑयल सम्प, और इस ऑयल सम्प को अगर हम रिमूव करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन से क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है और क्रैंक शाफ्ट क्या कर रहा है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट होते हुए उसको कैम शाफ्ट ड्राइव शाफ्ट के साथ कन्वर्ट होता है और इसके साथ व्हील मूव करता है, यानी व्हील के साथ कनेक्टेड होता है। इसके हम प्रोसेस को जानते हैं, ये एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है, यानी इसमें टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें देखिए, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा जो पिस्टन होता है वो टॉप डेड सेंटर यानी ऊपर के साइड से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तब उसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इनलेट वाल्व, यहाँ से इनलेट वाल्व होता है और यहाँ पे इधर होता है आउटलेट वाल्व, और इनका इन वाल्व का जो प्रोसेस होता है यानी इसका मूवमेंट होता है वो कैम शाफ्ट के थ्रू होता है। ये जो है कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट का जो रोटरी मोशन है, इसका जो मोशन है वो क्रैंक शाफ्ट के थ्रू आता है, चेन के थ्रू। अब सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस लाइन से आता है, और कंप्रेशन में क्या होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होता है जिससे टेम्परेचर हाई हो जाता है। उसके बाद उसी जस्ट टाइम पे कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में एक्सपांशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, जब स्पार्क प्लग इग्निशन करता है। अब इग्निशन कैसे करता है ये भी देख लीजिए, अगर हम इसके ऊपर वाले पार्ट इसको हम लोग रिमूव करते हैं तो हम लोग काफ़ी इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क कर रहा है, जैसे ऊपर आ रहा है स्पार्क कर रहा है, और ये जो वॉल्व है एक एक करके मूव कर रहा है, इनलेट वॉल्व आउटलेट वॉल्व। तो ये हुआ इग्निशन, होने के बाद में क्या होता है एक्सपांशन वाल्व, जैसे इग्निशन होगा एक्सप्लोजन होगा और बाहर की तरफ उसको ढकेलता है पिस्टन को, वापस ये ऊपर की तरफ आता है तो इसमें से जो गैसेस बनी रहती है इग्निशन के बाद में जो गैसेस बनी रहती हैं वो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल के चली जाती है, इधर से होके बाहर चली जाती है। तो ये है बहुत ही सिंपल तरीके से, अब लोगों को इसमें समझ में आया होगा कि 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैसे काम करता है, और ये एक वी शेप 6 सिलेंडर इंजन है। उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो और स्टडी से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारी वीडियोज के बारे में, मतलब उन सारी टॉपिक्स के बारे में वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।